अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के राजनीतिक बंदियों को कोविड महामारी के बढ़ते प्रलय में अन्य जेलों में शिफ्ट कर रही है। कम से कम 31 कश्मीरी बंदियों को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर जेलों से भारत के हरियाणा राज्य की जेलों में शिफ्ट किया गया, जहां कोविड पीक पर है। मोदी सरकार कश्मीरी राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने के स्थान पर भारतीय जेलों में फेंककर उनके जीवन खतरे में डाल रही है। कोविड जैसे संकटों में जहां सरकारें मानवीयता का रवैया अपनाया करती हैं, भारत सरकार कश्मीरियों के साथ बहुत ही क्रूरता का व्यवहार कर रही है। भारत की क्रूर नीतियां कश्मीरियों के स्वतंत्रता के अपने न्याय संगत पक्ष के लिए प्रयत्नों से नहीं रोक सकती। कश्मीरी बंदियों को भारतीय जेलों में शिफ्ट करना और कुछ नहीं, केवल मोदी के नेतृत्व की फासिस्टवादी सरकार के विक्टिमाइजेशन का भाग है। हुर्रियत नेताओं व कारकुनों को भीषण कोविड के मध्य भारत में शिफ्ट करना भारतीय सरकार का एक आपराधिक कार्य है। सार्वभौमिक मानव अधिकार संगठनों को कश्मीरी राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने के लिए भारत पर दबाव डालना चाहिए। आज जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, मीडिया को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर तथा भारत में हिंदुत्व के समर्थन के लिए बहुत अधिक दबाव का सामना है। आज जबकि संसार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मना रहा है, मोदी का भारत मीडिया पर ग्रिप को तंग कर रहा है। मोदी प्रेस फ्रीडम के मूल सिद्धांतों को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर तथा भारत में कुचल रहा है। भारत यहां तक कि भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर स्थित दैनिकों को समर्पण पर विवश करने के लिए उनके विज्ञापनों को रोक रहा है। इंटरनेशनल वॉचडॉग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 ने अपनी नवीनतम रिपोर्टों में कश्मीर की स्थिति को बहुत चिंताजनक कहा है। एक नवीन एडवाइजरी में पुलिस ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पत्रकारों पर और नवीन प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की पुलिस ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में कासों तथा भारत विरोधी प्रतिवादों की कवरेज से रोका है। नवीन पुलिस एडवाइजरी भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए किए गए उपायों का ही एक भाग है। कश्मीर प्रेस क्लब भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग के लिए जारी की गई नवीन एडवाइजरी के द्वारा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में कासों के दौरान पुलिस द्वारा किए जा रहे भीषण मानव अधिकार उल्लंघनों को छिपाना चाहता है। मई 2020 में भारत द्वारा घोषित मीडिया नीति कश्मीर में समाचारों के मुक्त प्रवाह को बंद करने के उपायों का ही एक भाग है। 5 अगस्त 2019 से पत्रकारों ने अधिकृत कश्मीर में अधिकरण अधिकारियों द्वारा छापों में वृद्धि के समाचार दिए हैं। 2020 की मीडिया नीति ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को उन रिपोर्टरों व प्रकाशनों का पीछा करना सरल कर दिया है जो भारतीय सरकार की नीतियों का पालन नहीं करते। बीजेपी के नेतृत्व की सरकार को प्रेस के दमन के लिए दंडित किया जाना चाहिए। भारत के अधिकृत अधिकतर मीडिया भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्ट कर दिए गए हैं तथा भारतीय एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं। भारत के बहुत से मुख्य मीडिया संगठनों पर बीजेपी तथा आरएसएस टाइकून्स का स्वामित्व है, जो हिंदुत्व नीतियों के लिए काम करते हैं।